What's up, Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mowgli की द किड की वीडियो अब सॉरी मोबाइल की वीडियो एंड आज मैं आईपैड भी खेल रहा हूँ। वाओ लेजेंडरी किंग एंड्रूस बैक ऑन आईपैड। हाँ पता है मुझे नीचे आके लोग पूछेंगे कि तूने तो कहा था कि तू मोबाइल पे पूरा शिफ्ट हो गया तो तू अब आईपैड पे क्यों खेल रहा है, तो उसका रीजन तो तुम मेरी मोबाइल की वीडियोस देख के जान चुके होगे कि मेरे मोबाइल में बहुत बुरा लैग होता है। सही बताओ तो फ्रेम ड्रॉप्स एक से बढ़ के एक होते, मेरी फटके चार हो जाती है। ऐसा लगता है मैं 10 FPS पे खेल रहा हूँ 60 FPS के नाम पे। इसलिए S10 प्लस जिंदगी में कभी मत लेना पबजी खेलने के लिए। मैं लेके पछता रहा तो मत पछताना। आप पता है सैमसंग वाले के मेरे पीछे पड़ जाएंगे मगर मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब सच्ची बात है यार, लाइक आईफोन इज़ बेस्ट। तो जब तक मेरे पास लाइक जो मेरा राइट डिवाइस अभी मैंने लाइक चल रहा है चक्कर, अगले 10 दिन में मेरे पास मेरे को जो डिवाइस चाहिए वो मेरे पास आ जाएगा, जिससे लाइक लैग वैग का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं वापस मोबाइल पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो अगले 10 दिन के लिए तुम्हारा भाई वापस से आईपैड पे आ गया, बिकॉज मेरा तुम्हें पता था लैग ने मेरी फाड़ के चार कर दी। एनीवेज तो इधर हम खेल रहे हैं ड्यू वर्सेस स्क्वाड एंड हमारे सारे दो खड़े के हंटर भैया हंटर बंटर। आपने शायद इसे थोड़े टाइम बाद देखा होगा हमारी वीडियो में, ऐसे ही नुमबुड़ा है दिखता नहीं है ना ज़्यादा, कॉज आती है तो सीक्रेट बन जाती है। तो एनीवेज तो मैं उतरे इधर सी बिल्डिंग में और हमारी लैंडिंग बहुत तेज हुई थी एक्चुअली, तुम्हारे भाई ने बहुत तेज़ी से उतारा था और उसके चक्कर में एक स्क्वाड हमसे लाइक बहुत लेट उतरी, तो फिर हम मैं उस पर चढ़ी है कि हम लेके फिर मैंने स्क्वाड वाइप कर दी। एंड ब्रो मैं कोई खेली मन भाई आ जा ले मार मार दे भाई मार मार दे। एंड इसी के साथ ये स्क्वाड को स्वाहा कर दिया। और सही बता तो मेरे पे एम्यूनिशन नहीं थी, तो मेरे को यहाँ पे लाइक गन उठानी पड़ी दूसरी जाकर को। और इतने हमारे हंटर भैया जो अलग ही स्क्वाड से अलग ही दुनिया में लड़ रहे थे, तो उनकी क्रेड बन गई। अब हंटर भैया ने बोला कि भैया हम तो मर गए, अब आपको ही हमारा बदला लेना होगा। तो फिर मैं जा कर के स्क्वाड के ऊपर भी चढ़ गया पागलों पे। पोछड़ी वाला तो भी गया था नॉक का लेकर है वो गया। अबे ऊपर है अंदर है नमूने वो एंड इतने में हमने दूसरी स्क्वाड भी मार दी और इधर अपने हंटर भैया का बदला ले लिया और बोला कि ले हमारे हंटर भैया को मारोगे हमारे हंटर बंटर भैया को मारोगे तो ये लो स्वाहा। तो इधर हमने उतरती दो स्क्वाड मार दी मेरे साथ के लोग बहुत ही आसानी से मिलिट्री बेस के अंदर। एंड वैसे अभी जो दो स्क्वाड मारी इसके मतलब देखने के बाद तो लाइक गाइस लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो लाइक नीचे के बड़े प्यार से सब्सक्राइब के बटन को दबाना। क्या है ना आजकल लोग ज़्यादा जोशीले हो गए हैं, पता है अमूल दूध पीता है इंडिया के चक्कर में तुम लोगों के अंदर इतना जोश आ गया है कि तुम लोग भयंकर इतनी जोश से अपनी स्क्रीन दबाते हो कि टूट जाती है। तो ध्यान से भाई स्क्रीन ना टूट जाए ना तुम्हारी, लाइक फिर पैसे वैसे मैं नहीं दूंगा। वैसे भी आजकल लाइक फेविकॉल का रेट इतना बढ़ गया है और लाइक फेविस्टिक तो जब तुम अपनी स्क्रीन पर लगाओगे तो कितनी अजीब सी लगेगी ना, तो बहुत ही प्यार से अपनी स्क्रीन को दबाना। और इतने में तीसरी स्क्वाड जो वहाँ पे उतरी थी उसका मैंने नूबड़ा बंदर भागता हुआ पकड़ लिया रास्ते में, लेजेंड नूब, इसका तो नाम भी नूब था। वाह किस्मत ऐसी है भाई तेरी, तो तेरे तो नाम में ही ऐसी चीज़ है, अब क्या बोले बस नमूना बंदर है तू तो हमारा। तो फिर मैंने ग्रेनेड निकाला और एक ग्रेनेड मैंने सोचा था कि फेंक पाऊंगा कोई फट फुट जाए, बट हमारी किस्मत में कहाँ रखा था कि किसी का किल मिल जाए हमें इधर, तो मैं वापस भागा पीछे। फिर मैंने सोचा कि यार अब इनको मारना है मुझे, तो उसके लिए क्या तरीका है, तो फिर मैंने लगा अपने दो केड़ी का दिमाग इधर और फिर भागा भागा गया और छत पे चढ़ गया।
अब छत पे चढ़ने का क्या रीज़न था कि यहाँ से मेरे को बहुत ईजी एंगल बन जाएगा सिमेट्री के अंदर, और लाइक बाकी दो स्क्वाड तो मैंने मार दिए, तो ये आखिरी स्क्वाड है इधर, तो मेरे को ज़्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर मैं इधर आराम से बैठ के टी पी पी ले रहा हूँ, मैं एक्शन भाई सिखाया हुआ मतलब एक बंदा मैंने वहाँ देख लिया, तो मैं एक्शन वाला टी पी पी ले रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के आराम से। एंड इतने में इसके दो नोबड़े वहाँ पर आ गए, तो मैंने एक को नॉक करा और दूसरे वाले को भी थोड़ा लो करा, बट बच गया। तो फिर मैंने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड लेकर मैंने एकदम डायरेक्ट उसके ऊपर एम करके फेंक दिया, और ये नेट जाके फटा। तो बट इतने में वो दोनों के दोनों बंदे जो सिमेट्री के अंदर चले गए, तो मैंने सिमेट्री में भी एक नेट फेंका, बट इधर भी किस्मत कुछ ज़्यादा चली नहीं। एंड वो पीछे वाला बंदा ज़्यादा पीक पाक लिया, तो उसको मैंने वापस अंदर बिठा दिया। तो एक्चुअली तीनों के तीनों बंदे लो बहुत थे, मैं चाहता था इधर पुश कर देता इन पे, गेम थी मेरे पे, बट सीन ये दना एक तो जोन आने वाला था, ऊपर से ये तीनों के तीनों बंदे लाइक जिंदा हैं, तो सामने वाला बंदा इनको कवर फायर दे सकता है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार अब जोन जाते हैं, यहाँ पे पुश करके फ़ायदा नहीं है, तो मैं भागा वहाँ से तेज़ी से एकदम निकल लिया। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, भाई तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है भागने में, लाइक मेरे तीन बंदे जैसे नॉक होते हैं ना, मैं अपने -50 के मेरे को थप्पड़ ना पड़े भाई, इसलिए मैं निकल लेता हूँ चुपचाप कोने से कि भाई मेरे को मार ना दे कोई। तो मैं जल्दी से पहाड़ पे चढ़ा और पहाड़ से तेजी से लेफ्ट रोटेट मारा। अब इसका एक यही रीज़न था कि मेरे पे कोई गाड़ी नहीं थी जाने के लिए, कॉज एक मेरे को बग्गी तो मिली थी बट उसका टायर नहीं था, तुम्हें पता है अगर बग्गी का पीछे का टायर चला गया ना तो भैया जी वो घंटा नहीं हिलेगी तुमसे, मतलब तुम उससे तेज भाग लोगे, ये बात है सीधी। और वो बंदे मैं देख रहा था कि किधर, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ कि वो स्क्वाड किधर है, उन पर ध्यान दे रखा है मैंने कि लाइक कहीं मेरे पीछे ना घूम के आ जाए ना, मेरे को पेल पाल ना दे, फिर तुम्हारा भाई रोता फिरेगा, -50 का थप्पड़ पड़ जाएगा, ऊपर से केडी केल लग जाने वैसे ही लगे पड़े हैं सीजन कॉस। सही बताओ तो मोबाइल के अंदर शिफ्ट होना है तो आईफोन लो, और कोई फ़ोन मत लेना ज़िंदगी में भाई कभी भी, एल लग जाएंगे मेरे टाइप, कॉज फ्रेम ड्रॉप्स इतने होते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा जब तुम शूट कर रहे होते हो तो उसकी वजह से तुम्हारा जो रिकॉइल कंट्रोल है वो एकदम मैसअप हो जाता है कॉज ऑफ फ्रेम ड्रॉप्स। तुम्हारा लाइक एम कहीं होगा, अगले सेकंड तुम्हारा एम कहीं और चला जाएगा फ्रेम ड्रॉप की वजह से। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा टेम्पररी टाइम के लिए वापस आईपैड पे स्विच किया, बट अभी भी इलीट कस्टम जितने भी मैं अपने S10 पर ही खेलूंगा, दो केडी की क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो टूर्नामेंट और लाइक सब चीज़ें तो उस पर खेलूंगा मैं भी टेम्पररीली, बट क्लासिक जितने भी वो मैं आईपैड पे खेलने वाला हूँ। एंड इसी के साथ मैंने ये दोनों गाड़ी का स्वाहा कर दिया बड़े मज़े से, तो आज मैं नहीं चाहता था कि भाई जोन में आए ये लोग, लॉग लाइक क्या कर रहे हैं अभी, इनको यहीं मरवाने का जो पूरा प्लान कर रखा है तुम्हारे भाई ने, तो दिक्कत क्या है। तो मैंने इनकी दोनों गाड़ियाँ फोड़ दी जो भी यहाँ पे थी, और इतने में ये बंदे यहाँ से पीछे से आए, मेरे को पता था कि इनकी ये वही वाली बग्गी लेके आ रहे हैं जिसके अंदर एक्चुअली टायर नहीं था, तो इनको साल लग जाएगा मेरे तक पहुँचते पहुँचते, घंटा कुछ नहीं फाड़ पाएंगे। तो मैंने तो फुल स्पीड भाग लिया, बट अब चक्कर ये था ना कि अब मैंने डिसाइड किया कि मैं मिलिट्री के ब्रिज से जाऊँगा, मेरे पे हीलिंग थी नहीं, तो फिर मैं इस कंपाउंड पे रुका, इस कंपाउंड को पूरा लूटा। मैं सही बताऊँ तो बहुत देर तक जोन के अंदर बैठा रहा, इतनी देर तक बैठे नहीं रहना चाहिए किसी को, बट मैं बहुत ही ज़्यादा देर तक बैठा, लाइक हद से ज़्यादा देर तक बैठा, लाइक इतना देर तक मैं ज़िंदगी में नहीं बैठाऊंगा जोन में। देख रहे हो जोन मेरे सर के ऊपर से जा चुका है, अगला जोन भी शुरू होने वाला है, एंड तब भी तुम्हारा भाई पूरे स्वैग में बैठ के यहाँ पे हीलिंग मार रहा है। और मेरी गाड़ी भी मतलब हमारी जो बग्गी थी उसकी भी टायर फट गई, बिकॉज मेरे को रास्ते में एक बंदा मिला था, उसने एम लिया मेरे पे, तो उसने मेरे टायर उड़ा दिए, जो कि यार बहुत बुरी बात है, टायर मत लिया करो यार, गलत बात है यार, अच्छा नहीं करते हो तुम टायर देखे मेरे। एनीवेज तो सामने मेरे को ट्रिपल सीटर दिखी, तो मैं भागा भागा फुल स्पीड गया उस पर, एंड फिर मेरे को रास्ते में ये मिल गई मेरी प्यारी सी US, एंड फिर मैं इसको फुल स्पीड लेकर के जोन में भाग रहा हूँ, उसमें भी हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं है भैया, लाइक मेरे को यहाँ पे मैक्सटन भाई टाइप फीलिंग आ रही थी कि बस मैक्सटन भाई का दो कीड़े के गेम प्ले में और हमारे दो के गेम प्ले में कुछ अंतर नहीं बच जाएगा ना इधर अगर हम जोन में मर जाएं। तो इधर मैं तेज़ी से जोन में घुसा बैम, एंड प्यार से फिर मेडकिट मारी, फुल पूरी मेडकिट, टेस्टी टेस्टी मेडकिट, क्या टेस्ट था इस मेडकिट का बताएं। एंड फिर मैंने जाके डासिया ली, कॉज अब US के अंदर फ्यूल था नहीं, मैं अपना चाह नहीं रहता कि यहाँ पे फ्यूल वेस्ट करूँ, अब नहीं तो फिर क्या पता आगे जाके कहीं काम आ जाइए। तो मैंने डासिया निकाली, और हमारे हंटर बंटर जो है वो अभी तक हमें स्पेक्टेट ही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एंग्रोसेन पे हमको कुछ सिखा दो। तो मैंने कहा भाई क्या सिखाएं, आपका गेम प्ले इतना ओपी है, हम ही आपसे सीखे हैं इतना सारा, तो आप नहीं सिखा सकते कुछ आपको। एनीवेज तो मेरे को रास्ते में ड्रॉप मिल गया, अब ये जो जोन था ना याशना के साइड जा रहा था। मैंने एक चीज़ सीखी है एलीट कस्टम में खेल के, ये ज़िंदगी में ना जब तक कंफर्म ना हो कि याशना में जोन ख़त्म होगा, कभी भी याशना में मत घुसो, लाइक कुछ भी हो जाए याशना के अंदर मत घुसना, कॉज एक बार तुम वहाँ घुस गए ना तुम्हारी फटके चार हो जाओगे, बट वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए आफत हो जाएगी।
स्पेशली टूर्नामेंट्स में लीड कस्टम में कभी भी मत घुसना उधर, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे एंगल बन सकते हैं ना तुम पे, और तुम गाड़ी लेके बड़े तक समा गए ना, अपार्टमेंट से ऐसा स्प्रे आएगा ना बेटा, रिंगा रिंगा रोसेस पॉकेट फुल ऑफ नूब्स हो जाएगा, वहीं पर रेंगते फिरोगे, क्रेड भी नहीं मिलेगी, कहाँ गायब हो गए। इसलिए भैया कभी भी याचना है मत जाना, अनलेस की कन्फर्म हो कि लाइक आखिरी सर्कल भी इधर ही बनने वाला, लाइक आखिरी मतलब कि हीलिंग बैटल ही होगा, तो मैंने वो ही सोच रखा था, नहीं तो मैं यहाँ पे याचना भाग जाता, सीधी बात है दिख रहा था कि जोन वहाँ जाएगा, बट देखा एंड टाइम पे क्या हुआ, जो जोन है वो याचना से निकल के बाहर निकल गया। और अगर ये सही बताओ तो एलीट कस्टम में टूर्नामेंट का गेम होता ना और मैं याचना में बैठा होता, सही बता रहा मर जाता मैं अंदर, बाहर ही नहीं निकल पाता भाई मैं, बिकॉज लोग इतने सारी जगह पे टीपी भी ले सकते ना इधर, बस कहा बताएं घंटा कुछ नहीं उखड़ता हमसे। एनीवेज गाइस मेरा इंस्टाग्राम लिंक तुम्हें नीचे मिलेगा जहाँ पर मैं अपनी सारी स्क्वाड वाइप्स और 1v4 गेम प्लेस डालता हूँ, तो नीचे जाकर तुम इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, हम 50,000 फॉलोअर्स हमने रिसेंटली क्रॉस करा वहाँ पर, तो थैंक यू सो मच, और हम लाइक 5 लाख सब्सक्राइबर्स कितने पास हैं यूट्यूब पे, तो नीचे जाके यार सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और शेयर भी कर दो यार दोस्तों को अपने, लाइक तुम्हारा भाई अकेला पूरा गेम खेल रहा है सोलो वर्सेस स्क्वाड, बस हंटर भैया तो आते ही क्रिएट बन गए थे, और ये बंदा जो था ना इसने मेरे को देख लिया था, अब इस नोबड़े में पता नहीं क्या इसने अपना 400 IQ लगाया यहाँ पे, ये भागा भागा गया, ये सोचा था कि ना घूम के ऐसे टीपी भी लेके मार देगा, बट अब इस नमूने को क्या पता था कि किंगेंद्र भैया थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट है, उन्होंने राइट से घूम के आपके सर पे गोलियां मार दी। मेरे को सही बता तो बिल्कुल नहीं पता चला इस दिमाग क्या लगाया इस बंदे ने, ये मैं आई थिंक स्ट्रैटेजी थोड़ा सा समझ सकता था, बट इसने ये ध्यान नहीं लगाया कि इसको पीछे से भी गोलियां पड़ सकती हैं, और ये जैसे ही वहां से निकला फिर तो लाइक इसका सीन ख़त्म हो गया। एनीवेज तो मैं नहीं अब लाइक मैं अब डीपी नहीं चलाता गाइस, लाइक हाँ अब ये सच है कि मैं अब डीपी नहीं चलाता, अब मैं M4 या OG ले लेता हूँ उसकी जगह, और उसका ये रीज़न है कि मेरे को डीपी से ज़्यादा पसंद है ये, आगे पता नहीं क्यों लॉन्ग रेंज फोन फोड़ तो मैं गवर्नमेंट को ये बता दूंगा वो बता दूंगा कुछ बोल दिया कर, अबे क्या चला रहा है बिग बाइक और जोन पे मार गया वो भाई, ये जिंदगी में कभी बाइक नहीं चलाएगा ओ भाई गलत मार दिया मैं उसको, और मैंने नोटिस करा था कि एक बंदा इसको पीछे से फायर कर रहा है, तो मैंने उसको भी रास्ते में देख लिया, उसको 3-4 बुलेट मारी तो वो इतने में बग्गी में लेके फुर्र करता भाग गया, लाइक चक्करी जैसे चलती है ना फुर्र करता वो रर करता भाग गया। मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों मोटर चला रहा हूँ करा ये, लाइक मैं LKG में करता था ऐसे काम, पता है मेरे को मैं बहुत ओबी बच्चा हूँ। एनी वेज तो तुम्हारा भाई बैठ गया है टीपी भी ले रहा है, अब टीपी भी लेने का एक ही तरीका है यहाँ पे यही, मतलब और क्या सही बताऊँ तो मैं जोन के बाहर था और मेरे को जोन जाना था, और मेरे को बंदों की एक्चुअली लोकेशन पता थी कि कौन कहाँ पर है, मेरे को पता था कि गाड़ी वहाँ पर पहुँची राइट साइड में घर पे, तो मैं बहुत ध्यान से पूरा राइट घूम के जा रहा हूँ, और बाकी सारे बंदे लेफ्ट साइड में है मेरे को वो भी पता था, तो एकदम परफेक्टली गया मैं चुपचाप भागा 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 एकदम लाइक शांति से चुपचाप, कोई देख ना ले भाई, तुम्हारे भाई को देख लेगा तो मेरी फाड़ नहीं देगा, मैं चुपचाप आके लेट गया। एंड फिर मैंने इंतज़ार करा जोन का, इतने में क्या हुआ ना एक बग्गी आई और सामने मेरे रुक गई, तो मैंने सोचा कि अब चलो अपने नीडिंग स्किल्स निकालते हैं यहाँ पे, देखते हैं कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारे भाई की। अब नेड़ फेंकने का सोच तो लिया मैंने, बट हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत में ये किल नेड़ से लिखा ही नहीं है अभी, तो मैंने नेड़ तो फेंक दिया, बट इससे घंटा कोई नहीं फटा, तो मैंने कहा भाई ये तो गलत सीन है अब क्या करूँ, कॉज जोन भी आ रहा है और ये बंदा मरा नहीं है, मेरे को जोन में जाते जाते मेरी क्रेड बना देगा ये, तो मैंने क्या करा स्मोक फेंके, ये जो पहला स्मोक मैंने उस बंदे के मुँह पर फेंका कि वो टीपी भी ना ले पाए मेरे, मतलब वो मेरे को देख ना पाए आते हुए, और राइट में स्मोक इसलिए फेंका जिससे मैं वो घर वालों से कवर मिले, मतलब तुम्हारा भाई बहुत ध्यान से यहाँ पे स्मोक का इस्तेमाल कर रहा है, लाइक कवर चाहिए पूरा, कॉज मेरे को स्नाइपर टावर में घुसना वो मेरा मेन एम है, तो सामने वाले से मेरे को स्मोक ने बचा लिया और राइट घर वालों से मेरे को स्मोक ने बचा लिया, मैं डायरेक्ट घुसा ग्राउंड फ्लोर के अंदर, एंड प्यार से लेट गया भाई, कोई मार मुंदा नहीं, बड़ी नाजुक कली हूँ मैं ऐसे कैसे, मैं लेट गया प्यार से यहाँ पे, और फिर मैंने बस इंतज़ार करा इंतज़ार करा कि ये लोग आपस में लड़ फड़ के मर जाएं। और यहाँ पे क्या है वो मैंने देखा कि जोन रोड के उधर चला गया, और मैंने देखा 3 बंदे जिंदा हैं और अब 2 जिंदा थे, और ये जो फाइट हुई ना जो फायरिंग हुई इससे मेरे को पता चल गया कि एक बंदा रोड के इधर है और एक बंदा रोड के सामने, मेरे को दोनों की लोकेशन एक्चुअली पता है,
कॉज वो एक बग्गी वाला जिंदा है वहाँ पे और एक सामने जो गाड़ी लेके गया था वो जिंदा है। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है कॉज मेरे को दोनों की लोकेशन पता है कि कौन कहाँ है एंड मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना गेम खेल सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, सोचो लेटर और क्या भाई, अच्छा आराम आ रहा है यहाँ पे, अच्छे पिल्लो है ये। तो मैंने देखा कि वो गाड़ी वहाँ से निकल रही, मैंने शूट नहीं किया नहीं तो ये सामने वाले बंदे को मेरी लोकेशन पता चल जाएगी ना। तो इधर मैं चिंपांजी टाइप कूदा एकदम जूम जाम जीम करता हुआ एंड देखा कि बंदा वहाँ पे गाड़ी लेके रुक गया है, तो मेरे को उसकी लोकेशन पता चल गया। बात आई बग्गी वाले की, तो मैंने देखा कि बग्गी वाला बंदा मेरे सामने है, तो मैंने कहा अब तो तू मेरे नेड़ की किस्मत में ही लिखा है बेटा, चाहे पिछली बार ना हो। तो पहले मैंने नेड़ निकाला और जूम करता हूँ मर गया। अब देख रहे हो लाइक क्या जमाना आ गया, मेरे को साउंड इफेक्ट तक अपने मुँह से निकालना पड़ रहा, नहीं तो भाई कॉपीराइट क्लेम मार देंगे दो कीड़े के नुबड़े। तो कुछ नहीं होता, तुम्हारा भाई अब आखिरी बंदा बचा है वो तुम्हारे सामने है। अब सीन ऐसा था मैं जोन के बाहर हूँ, वो भी जोन के बाहर है, तो जोन में धीरे धीरे आ रहा था भागा भागा। एंड एक्चुअली मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि इस बंदे के पास AWM प्लस कारल कॉम्बो था, एंड तुम्हें पता ना हो तो AWM एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे छोटे से लेवल 3 के टकले हो ना बैठे बैठे गायब कर देगी और तुमको हवा भी नहीं आएगी। तो मैं बहुत ध्यान से खेल रहा हूँ कॉस पे AWM मेरे कभी भी फाड़ देगा, उसका मन आएगा तो वो बोलेगा बेटा ठीक ले रहा है तू आ जा देखते तेरी औकात। तो मैंने क्या करा, मेरे को जोन में तो जाना था, मैं यहाँ पे फंस गया था एकदम जोन के एज पे। तो मेरे पे एक आखिरी स्मोक था बाय लक, तो मैंने स्मोक फेंका ये एंड फिर यहाँ पे हुआ इंटेंस 1v1 प्रो बैटल। मैं इधर तेजी से भागा स्मोक के थ्रू एंड नियरेस्ट रिज जो मतलब जो पत्थर है मेरे को वो मिल गया और मैं उसके पीछे जा करके तेजी से बैठ गया और फिर यहाँ पर से हमारा 1v1 बैटल शुरू हुआ। अबे तो नेड है, लूट लूट उसको, लूट 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 आम होगी उसपे। तो इधर मिला तुम्हारे भाई को विनर विनर चिकन डिनर, बहुत ही टेस्टी चिकन डिनर था। अकेले तुम्हारे भाई ने जिंदा रह के लाइक बड़ी मुश्किल से गेम जीता है, बहुत मेहनत करके कहा बताएं फट गई थे अपनी। तो एनीवेज गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो अगर तुम चैनल पर नए हो, और हमारे भंटर भंटर तो एक केड़ी के ही रहेंगे, इनसे तो उम्मीद ही नहीं है। एनीवेज मैं एक्सटन भाई, आज सुना है PMCO का फाइनल देखने गए थे अपना टूर्नामेंट छोड़ के पिक्सल का, हैं घंटा खेलेंगे यहाँ पे हम तुम्हारे बिना। आइए आज आपसे हम 10 गुना ज़्यादा चाय बनवाएंगे, बैठ जाइए, पूरी पब्लिक को चाय पिलानी है दो गेड़े के मिक्सचर के साथ, लग जाए लग जाएगा। एनीवेज गाइस मैं मिलूंगा तुम्हें ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी, पीस।